हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे आखिर उपवास क्यों करने चाहिए, यानी कि फास्ट क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, ये हम जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर भारतीय विशेष दिनों में, जैसे कि एकादशी या विशेष त्योहारों पर, जैसे कि जन्माष्टमी आदि पर उपवास करते हैं। इन दिनों में वे या तो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते या एक समय खाकर अथवा फलाहार से काम चलाते हैं। उपवास का अर्थ ये है उप याने नजदीक और वास याने रहना। उपवास याने उस दिन का भगवान से नजदीक रहना, भगवान से नजदीकियां बढ़ाना, यानी कि भगवान के स्मरण में रहना, ये है। दोस्तों, अभी इसके पीछे का साइंस क्या कहते हैं, ये हम जान लेंगे। अधिकतर हमारा काफी समय अनाज लाना, खाना पकाना तथा उसे पचाने में जाता है। कुछ अनाज खाने से हमें सुस्ती या चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन एक मास से कुछ दिन यदि भोजन न करें तो हमारा समय भी बचता है तथा मन और मस्तिष्क प्रसन्न सचेत तथा शुद्ध रहता है। उसी प्रकार शरीर की हर प्रणाली को आराम और मरम्मत की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अपने पाचन तंत्र को भी सुधरने और फिर से सक्षम बनकर अच्छा काम करने की अवधि मिलती है। यह प्रकृति का नियम है कि जितना हम अपने इंद्रिय भागों को संतुष्टि का ध्यान रखते हैं, वे उतनी ही आवश्यकताएं बढ़ने लगती है। उपवास से अपने इंद्रियों को वश में करने की आदत विकसित होने में मदद मिलती है। उसी प्रकार इच्छाओं पर अंकुश लगने और मानसिक शांति मिलती है। किंतु जब तक उपवास पूरी समझ के साथ या किसी श्रेष्ठ उद्देश्य या कारण को लेकर नहीं होगा, अथवा उपवास से हमें कमजोरी महसूस होने लगे या चिड़चिड़ापन आने लगे, तो यह फायदे की जगह हानिकारक भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के वचन निश्चित ही उपवास में हमें दिशा दर्शक रह सकते हैं, जिसमें कहा गया है हमें भोजन उपयुक्त रूप से लेना चाहिए, बहुत ज्यादा या बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, युक्त आहार लेना चाहिए जो सादा शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। केवल उपवास के समय नहीं बल्कि अन्य समय भी भोजन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उपवास का यह आयुर्वेद का महत्वपूर्ण भाग है। आयुर्वेद का मूल आधार यही है। अपने शरीर में संचित विषाक्त पदार्थों के कारण ही अलग अलग रोग होते हैं। उपवास के कारण इन विषाक्त पदार्थों में कमी होकर शरीर सुचारू रूप से काम करने लगता है। पूर्ण उपवास शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। पृथ्वी जैसे ही अपने शरीर में 80% द्रव और 20% घन पदार्थ है। चंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जैसे पृथ्वी पर असर होता है और समुद्र में ज्वारा भाटा होता है, वैसे ही मानवीय शरीर पर भी असर होता है, जिसकी वजह से कभी कभी शरीर में उपद्रव निर्माण होते हैं। उपवास की वजह से शरीर में जाने वाले अम्ल की कमी होने से कारण निर्माण होने वाले तनाव और वातोन्माद में कमी आती है। आधुनिक रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है कि उपवास से मधुमेह, कैंसर और अल्जीमयी रोगों पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। यह एक गलत फहमी है कि उपवास से कमजोरी आती है। इसके विपरीत उपवास से शरीर की शुद्धि होकर शारीरिक संतुलन रखा जाता है। उपवास से पाचन क्रिया अच्छी होकर शरीर के अन्य कई अंग ऐसे यकृत, मूत्रपिंड, पाचक ग्रंथि आदि भी कार्यक्षम बनते हैं। जैन धर्म में तो उपवास को अति महत्व दिया जाता है। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही उपवास से ही ऐसा है माना जाता है। और बचपन से ही इस बात को सिखाया है, समझाया है और प्रोत्साहित भी किया जाता है, इसीलिए उपवास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें।
और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।